अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम एयर सियाल का रिव्यू करेंगे जिसकी इनॉग्रेशन 25 दिसंबर 2020 को हुई है और ये पाकिस्तान में लॉन्च होने वाली सबसे नई एयरलाइन है। आई कंसिडर माई सेल्फ एन एविएशन एंथूजियस्ट, मुझे जहाज़ों और एयरलाइंस के बारे में रिसर्च करने में बहुत मज़ा आता है और इंशाल्लाह दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मैनी रिव्यूज़ दैट आई प्लान टू डू ऑन दिस चैनल, बोथ फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रैवल। अल्लाह के फजल से मैंने दुनिया भर में कई किस्म के जहाज़ों में और कई किस्म की एयरलाइंस में सफ़र किया है, तो एज़ अ फ्रीक्वेंट फ्लायर मैं आपको जितना अच्छा रिव्यू दे सकता हूँ मैं देने की कोशिश करूँगा और कुछ टिप्स भी शेयर करूँगा जो आपको फ़ायदा देंगी। सिक्योरिटी चेक पॉइंट आ गया है तो कैमरा बंद करना पड़ेगा। खाने पीने की काफ़ी अच्छी ऑप्शंस नज़र आ रही हैं कराची डोमेस्टिक टर्मिनल में, मगर कोरोना से बचने के लिए इसको अवॉइड करना पड़ेगा। जी, ये रहा एयर सियाल का एयरबस A320-200। आपको शायद लगेगा कि ये नई एयरलाइन है तो जहाज़ भी नए होंगे, मगर ऐसा एविएशन इंडस्ट्री में बहुत कम होता है। एयरलाइंस यूजुअली जहाज़ लीज़ पर लेते हैं और एयर सियाल ने भी यही किया है। लीज़ क्यों करते हैं वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ एयर सियाल पर फोकस करने की कोशिश करूँगा। एयर सियाल ने 3 बिल्कुल सेम जहाज़ आयरिश कंपनी एयर कैप से लीज़ किए हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनी है। अगर जहाज़ की बात करें तो A320 दुनिया भर में काफ़ी पॉपुलर जहाज़ है, जिस पर डोमेस्टिकली एयर ब्लू और PIA भी काफ़ी ज़्यादा रिलाय करते हैं। सीरीन एयर मेनली बोइंग 737-800 इस्तेमाल करता है। इंटरनेशनली अमेरिकन एयरलाइंस, यूरोप की ईजी जेट और एशिया में चाइना ईस्टर्न और चाइना सदर्न एयरलाइंस A320 फैमिली की मेजर ऑपरेटर्स हैं। मैंने आपको बताया कि ये जहाज़ यूज्ड हैं, अब मुझे ये भी बताना चाहिए कि ये कितने पुराने हैं। तो एयर सियाल के पास 3 जहाज़ हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर है APBOA, APBOB और APBOC। ये समझ लें कि जिस तरह गाड़ी का नंबर प्लेट होता है उसी तरह जहाज़ के भी नंबर प्लेट होते हैं और ये नंबर प्लेट आपको जहाज़ की दुम में नज़र आएगा। तो मेरा जहाज़ APBOA था, जो 16.5 साल पुराना है। इस जहाज़ को सितंबर 2004 में एयर न्यूजीलैंड ने चलाना शुरू किया था। बाकी दो जहाज़ APBOB और BOC दोनों तकरीबन 13 साल पुराने हैं और इन दोनों ने टाका एयरलाइन से अपना सफ़र का आगाज़ किया। अगर आप ये सब सुनकर डर गए हैं या पहले से डरे हुए थे कि ये नई एयरलाइन कितनी सेफ़ है, तो मैं आपके साथ कुछ फैक्ट्स शेयर करना चाहता हूँ। A320 आराम से 20 से 25 साल चलाया जा सकता है, तो एयरक्राफ्ट एज देखी जाए तो इन जहाज़ों में अभी भी बहुत जान बाकी है। और अगर आप वैसे ही जहाज़ के सफ़र से डरते हैं तो आपको जान के ये हैरत होगी कि जहाज़ का सफ़र बाकी किसी भी सफ़र से सबसे ज़्यादा सेफ़ होता है। स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, इंसान का आसमानी बिजली से मरने का ज़्यादा चांस है एज़ कम्पेयर टू प्लेन क्रैश में। मुझे पर्सनली एयर सियाल की ब्रांडिंग बहुत पसंद आई है, इनका लोगो मुझे बहुत एलिगेंट लगा है। इन्होंने जो कॉम्पस या नेविगेशन का आइकॉन होता है उसको स्टार के अंदर इनकॉर्पोरेट किया है और ये काफ़ी सटल है और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। एयर सियाल का कलर पैलेट भी मुझे बड़ा पसंद आया है, जो इस एयरलाइन को बहुत ही मैच्योर और ग्रेसफुल लुक दे रहा है। टाइपोग्राफी भी अच्छी है, बट आई थिंक जो इनका टैगलाइन का फॉन्ट है वो थोड़ा बेहतर हो सकता था। बट आई थिंक पाकिस्तानी डोमेस्टिक एयरलाइंस में मुझे इनकी ब्रांडिंग सबसे अच्छी लगी है, सो गुड जॉब एयर सियाल। यहाँ पे मैं एक और पॉइंट रेज करना चाह रहा था पाकिस्तानी एयरलाइंस से रिलेटेड। इंटरनेशनली एयरलाइंस अपने फ्रीक्वेंट फ्लायर्स को इंसेंटिवाइज और रिवॉर्ड करती हैं, मगर मैंने पाकिस्तान में किसी भी एयरलाइन को ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करते नहीं देखा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरा कतर एयरवेज़ का फ्रीक्वेंट फ्लायर मेम्बरशिप कार्ड है और आप देख सकते हैं वो अपने रेगुलर कस्टमर्स को किस तरह स्पेशल इंसेंटिव्स देते हैं। और आई फील जो एयरलाइन भी पाकिस्तान में ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करेगी उसको काफ़ी फ़ायदा होगा। आई नो के PIA और एयर ब्लू ने अपने फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, बट आई डोंट थिंक दे हैव प्रॉपरली बीन एडवर्टाइज्ड एंड नीदर हैव दे इंसेंटिवाइज्ड इट इन माई ओपिनियन। एनीवे, अब बोर्डिंग शुरू हो गई है, सो लेट्स गेट गोइंग। बोर्डिंग करते हुए मास्क पहनने की ताकीद की गई, विच इज़ गुड। सो देयर इट इज़, आवर हवाई बस 320।
गेट इट, हवाई बस, एयर बस, और ये है एयर सुजुकी, मतलब सॉरी एयर सियाल की सुजुकी, सॉरी फॉर द लेम जोक्स। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपका थैंक यू करने के लिए मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप शेयर करने वाला हूँ। जब भी आप एयर सियाल में सफ़र करने लगें तो चेक इन काउंटर पर रो 13 की सीट्स की रिक्वेस्ट करें, और अगर रो 13 में सीट्स ना मिलें तो रो 12 में कोशिश करें। एयर सियाल के जहाज़ Y180 सीट कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, और इन दोनों रोज में सबसे ज़्यादा लेग रूम होता है क्योंकि ये एग्ज़िट डोर्स के साथ होती हैं। पीछे वाली सीट नॉर्मल लेग रूम के साथ है, और रो 13 वाली सीट का लेग रूम चेक करें। बट अगर आप 18 साल से कम उम्र हैं या फिज़िकली फिट नहीं हैं तो इन रोज़ में आपको बैठने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में आप ही ने इमरजेंसी डोर्स को खोलना होता है। इसलिए आप इन सीट्स पर बैठने के बाद ये ज़रूर जान लें कि ये डोर कैसे खोला जाता है। अगर ये टिप आपको पसंद आई है तो कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सीट्स। आई लाइक देयर चॉइस ऑफ लेदर। इनको साफ़ सुथरा रखना निस्बतन आसान होगा, और मोर इम्पोर्टेंटली ये सीट्स प्रॉपरली सैनिटाइज भी हो जाएंगी। आई थिंक PIA फैब्रिक मटेरियल यूज़ करता है, जितना मुझे याद है फ्रॉम माय दोहा टू इस्लामाबाद फ्लाइट ऑन देयर A320। तो उन दोनों के दरमियान आई थिंक लेदर का इंतखाब एक स्मार्ट मूव है। हाउएवर इन्होंने कोई इंटरटेनमेंट का बंदोबस्त नहीं किया, और बाकी पाकिस्तानी डोमेस्टिक एयरलाइंस भी ये नहीं करती। आई थिंक अगर कोई मैगजीन या न्यूज़पेपर रख दिया जाता तो आई वुड हैव बीन ओके। मे बी दे डिडंट डू इट बिकॉज ऑफ द वायरस, बट दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर डिसअपॉइंटिंग मूव फ्रॉम एयर सियाल। एयर सियाल ने किसी भी पैसेंजर को पर्सनल हैंड सैनिटाइजर्स नहीं दिए। सो इफ़ यू वॉन्टेड टू सैनिटाइज योर हैंड्स, एयर होस्टेस फ्लाइट में एक दफ़ा सबको हैंड सैनिटाइजर्स ऑफर करेंगी, और दैट्स इट, विच इज़ नॉट गुड इनफ इन माई ओपिनियन। फॉर एग्ज़ाम्पल सीरीन एयर सब पैसेंजर्स को अपना एक पर्सनल हैंड सैनिटाइजर देती है, और आई थिंक दैट्स अ गुड जेस्चर, और बाकी एयरलाइंस को भी ऐसा ही करना चाहिए। एयर सियाल कैबिन क्रू वॉज सुपर्ब। दे वर प्रोफेशनल, फ्रेंडली, और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की भी अच्छी तरह इन्फोर्समेंट की उन्होंने। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी फ़्लाइट में एग्जिट रो पे 13 साल का बच्चा बैठा हुआ था, और कैबिन क्रू ने इस सिचुएशन को बहुत ही प्रोफेशनली और अच्छे से हैंडल किया, और वहाँ पर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए उनकी सीट चेंज करवाई। ये अलग बात है कि उस बच्चे को सीट असाइन क्यों की गई, एंड दैट्स समथिंग एयर सियाल शुड इन्वेस्टिगेट, बट कैबिन क्रू ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ को हैंडल किया। अब टेक ऑफ का टाइम आ गया है, लेट्स सी हाउ द टेक ऑफ इज। टेक ऑफ वॉज वेरी स्मूथ। मैंने सुबह 7 बजे वाली फ्लाइट ली, जिसकी वजह से मुझे इतना खूबसूरत आसमान देखने को मिला। The sunrise was absolutely stunning. Civil Aviation Authority ने जहाज़ में सारी एयरलाइंस को खाना सर्व करने से मना किया है, तो इस वीडियो में हम एयर सियाल की केटरिंग को रिव्यू नहीं कर सकते। वी विल लीव दैट फॉर अनदर वीडियो इन द फ्यूचर इंशाल्लाह। कैबिन क्रू ने सबको मिनरल वाटर बॉटल और टॉफ़ी सर्व की। The flight was almost full, which is great news for एयर सियाल। आप देख सकते हैं बहुत से लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फ़्लाइट के दौरान मास्क ना उतारा करें, और अपना और दूसरों का ख्याल रखें। एनीवे नाउ आई एम हेडिंग टू द लेबोरेटरी टू सी हाउ एयर सियाल हैज़ मेंटेन्ड इट। इमीडिएटली यू आर ग्रीटेड विद फ्रेश फ्लावर्स। ये बहुत अच्छा आइडिया है, मैंने किसी और एयरलाइन में ये नहीं देखा, और दैट्स वेरी इम्प्रेसिव। ओवरऑल लेबोरेटरी काफ़ी साफ सुथरी है, मगर टॉयलेट सीट कवर्स ना होने के बराबर हैं।
इसके अलावा लिक्विड हैंड वॉश की कमी है, इन्होंने बार सोप रखा हुआ है, मुझे ये बात पसंद नहीं आई, स्पेशली ड्यूरिंग दीज टाइम्स। हैंड सोप को अवॉइड करके अगर लिक्विड सोप डिस्पेंसर लगाया जाता तो बहुत बेहतर होता। मैं लेविट्री को एवरेज मार्क्स दूंगा। कैप्टन ने लैंडिंग की अनाउंसमेंट कर दी है और मास्क पहनने की भी तलकीन कर रहे हैं। थैंक यू फॉर चूजिंग रशिया फॉर इंट्रो। लेडीज एंड जेंटलमैन, इंश्योर दैट यू विल शेयर द लैंडिंग एट इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। प्लीज इंश्योर दैट योर हैंड बैग इज स्टोर्ड इन द लिफ्ट। स्पॉयलर्स एंगेज हो चुके हैं जिनकी मदद से अब जहाज नीचे उतरना शुरू करेगा। वैसे क्या खूबसूरत व्यू है, ये मेरे ख्याल से मार्गला हिल्स हैं, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। और नीचे काफ़ी ज़्यादा फॉग है जिसकी वजह से मैंने बस के सफ़र को अवॉइड किया था और मेरे ख्याल से मैंने सही फ़ैसला किया था। अब फॉग क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। वैसे इस्लामाबाद इज़ सो ब्यूटीफुल। टाइम टू लैंड। पूरी फ्लाइट में ये सबसे रिस्की मरहला होता है और इससे हमें पायलट की महारत का भी अंदाज़ा हो जाएगा। टच डाउन, एयर ब्रेक्स एंगेज्ड। दैट वॉज अ वेरी स्मूथ लैंडिंग, फुल मार्क्स टू द पायलट। Next part is to taxi the plane. I love the new Islamabad International Airport. याद है जब buses में जहाज से airport जाना पड़ता था? So glad there are boarding bridges in Islamabad now. COVID-19 की वजह से passengers को row by row disembark किया गया और thankfully लोगों ने cabin crew के साथ cooperate किया। तो दिस वॉज माई रिव्यू ऑफ एयरसियाल। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। कॉमेंट्स में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, मैं आप सबके कॉमेंट्स पढ़ता हूँ और रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। माई बेस्ट विशेज टू एयरसियाल फॉर अ वेरी सक्सेसफुल फ्यूचर इंशाल्लाह, एंड अल्लाह हाफिज़।